हेलो फ्रेंड्स। तो जो हम क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, ठीक है, तो उसका ये पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम देखेंगे एकल कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है। तो इसके पहले हमने अभी तक कृष्णी ठोस अकृष्णी ठोस के बारे में, बंधों की प्रकृति के अनुसार कैसे होता है आपका, वो कितने प्रकार का ठोस होता है, ठीक है, वो भी देख चुके हैं। एकल कोशिका क्या होती है, आपका क्रिस्टल जालक क्या होता है, वो सब देख चुके हैं, ठीक है। तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, एकल कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो बात करते हैं एकल कोशिका होती कितने प्रकार की। तो जो एकल कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, पहला सरल घनी एकल कोशिका और दूसरा होती केंद्रीय एकल कोशिका, ठीक है। तो एकल कोशिका कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की बात हो रही है। सरल घनी एकल कोशिका मतलब कि इसे सरल घनी एकल कोशिका, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम सिंपल, घनी का मतलब क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और ये आपकी केंद्रित एकल कोशिका होती है जो कि तीन प्रकार की होती है, ठीक है, ये तीन प्रकार की होती है। ये आपकी है सरल घनी एकल कोशिका। तो देखते हैं हम सरल घनी एकल कोशिका, या इसे इसका एक नाम और होता है आद्य एकल कोशिका। क्या नाम होता है, आद्य एकल कोशिका, ठीक है, आद्य एकल कोशिका भी इसका नाम होता है। इसके दो नाम होते हैं, चाहे आप सरल घनी एकल कोशिका कहो या आप आद्य एकल कोशिका कहो। आपको अगर कहीं पर भी सरल घनी एकल कोशिका या आद्य एकल कोशिका मिलती है तो आप ये जान जाओ कि ये दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं आद्य एकल कोशिका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में देखेंगे। देखो पहले हम इसका चित्र देखते हैं जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले इसका आद्य एकल कोशिका को बनाते हैं जिससे एक परिभाषा समझ में आ जाए। तो देखो जो सिंपल पहले एक कोशिका बनाते हैं, एक कोशिका कैसी होती है, ठीक है। तो देखो एक कोशिका बनाते हैं, तो ये यहाँ से हम ऐसे जोड़ेंगे इसे। तो देखो ये जो टेढ़ी मेढ़ी बनी ये एक कोशिका ही है, ठीक है। तो आप सही से बना लेना। देखो ये एक कोशिका है, इसमें क्या होता है, इस एक कोशिका में जो SCC इसको फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब कि आद्य एकल कोशिका, या आप दूसरा नाम क्या ले सकते हो, सरल घनी एकल कोशिका। क्या कह सकते हो, सरल घनी एकल कोशिका। तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसमें क्या होता है, जो अवयवी कण, अवयवी कणों को आप जानते हो, क्या नाम, अवयवी कण। अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, परमाणु अणु और आयन। कौन कौन से, आपको पहले वीडियो में बताया गया था, परमाणु अणु और आयन जो होते हैं ये ठोसों के अवयवी कण होते हैं, ठीक है। तो जो अवयवी कण होते हैं सिंपल क्यूबिक सेल में कहाँ पर स्थित होते हैं, यहाँ पर, कहाँ पर, कोनों पर, ठीक है। यहाँ पे कोनों पर जो ये आठ कोने आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6 और 1, 7 और 1, ये जो आठवां कोना दिख रहा है, इन आठों कोनों पर अवयवी कण स्थित जिस भी एकल कोशिका में हो उसे हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एकल कोशिका में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं कोनों पर स्थित होते हैं। कितने अवयवी कण हैं यहाँ पे, आठ। कितने अवयवी कण है, आठ, ठीक है, आठ अवयवी कण है। तो आठ अवयवी कण जो है, जो मतलब आठ कोने, तो आठ कोने, तो आठ अवयवी कण भी आठ कोनों पर स्थित, ठीक है। तो आठ अवयवी कण जो है सिंपल क्यूबिक सेल में कहाँ स्थित होते हैं, कोने पर। तो अब बात करें परिभाषा की, जिस एकक कोशिका में अवयवी कण केवल कोनों में उपस्थित होते हैं उसे SCC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। आद्य एकक कोशिका या दूसरा नाम क्या है, सरल घनी एकक कोशिका, ये हो गई आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आई होगी। आप देखते हैं केंद्रित एकक कोशिका। उससे पहले एक चीज़ और देख लो, जो आपके आठ कण दिख रहे हैं आपको इन कोनों में, ये प्रभावी कणों की संख्या कैसे निकाली जाती है, वो होता है 8 × 1/8। मतलब जो कोने पर उपस्थित अवयवी कण होता है, आप जान लो कोने वाले का 1/8 भाग होता है, जो केंद्र पर, अभी आपको केंद्र वाला भी मिलेगा, केंद्र वाले का पूरा पूरा 1 भाग होता है, और जो आपका फलक वाला होता है उसका भाग होता है 1/2। अभी आपको मिलेगा तो आप आगे भी समझ जाओगे केंद्र और फलक को भी। कोने वाले का 1/8 होता है, तो 8 अवयवी कण है, ठीक है, 8 कण आपको यहाँ दिख रहे हैं, 1/8 से गुणा करोगे जिससे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। आपको आगे भी मिलेगा जब आप अंतःकेंद्रीय, फलक केंद्रीय, अंत केंद्रीय निकालोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोने वाले का जान लो 1/8 होता है, 8 कोने थे तो 8 × 1/8 कितना, 1 अवयवी कण। तो प्रभावी कण की संख्या अगर आपसे पूछी जाए आद्य एकक कोशिका में कितनी होती तो बताओगे 1, ठीक है। आप बात करते हैं केंद्रित एकक कोशिका की। तो केंद्रित एकक कोशिका जो होती है तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 3 types ऑफ केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, कोनों के अतिरिक्त स्थानों पर उपस्थित होते हैं। मतलब कोने, जैसे जो आपकी सरल एकल कोशिका थी वो केवल कोनों पर अवयवी कणों से उपस्थित, लेकिन इसमें कोनों पर भी उपस्थित होंगे और उनके अतिरिक्त स्थानों पर भी। चलो देखते हैं कितने प्रकार की होती है। अंतःकेंद्रीय एकल कोशिका पहला टाइप, दूसरा टाइप क्या, फलक केंद्रीय एकल कोशिका, तीसरा टाइप है अंतःकेंद्रीय एकल कोशिका। तो चलो तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं अंतःकेंद्रीय एकल कोशिका। तो बात करते हैं अंतःकेंद्रीय एकल कोशिका को, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे आप सॉल्ट टाइप पे लिख सकते हो BCC, ठीक है। क्या
अगर आपसे पूछे जाए बीसीसी क्या है तो आप बताओगे अंतः केंद्रीय कोशिका बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो देखो इसको भी चित्र से उसी प्रकार समझ लेते हैं। तो हमने बनाया ये आपको एका कोशिका बना लो उसी प्रकार, ठीक है। तो जो ये आपकी अंतः केंद्रीय कोशिका होता है इसमें क्या होता है, इसमें कोनों पर तो उपस्थित होते ही है अवयविका, कोनों पर तो उपस्थित होते ही है, लेकिन क्या होता है इसमें, इस एकक कोशिका के कोनों पर तो अवयवीकरण उपस्थित होते हैं लेकिन इसके केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। जो एकक कोशिका का केंद्र होगा वो कहाँ होगा जाके, आप देखो जब ऐसे थोड़ा सही से बनाओगे तो केंद्र बीच वाला आएगा जो यहीं पे होगा जाके, ठीक है। आप थोड़ा सही से बनाना, ठीक है। तो जो केंद्र आएगा वो यहाँ पर आएगा जाके और कोनों पर तो उपस्थित अवयवीकरण होंगी, मतलब आठ कोनों पर उपस्थित होंगे और एक केंद्र पर उपस्थित होगा, तो उसे कौन सी एकक कोशिका कहेंगे, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। देखो जिस एकक कोशिका पर अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त कहाँ उपस्थित होते हैं, केंद्र पर, कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोशिका बीसीसी, ठीक है। इसके केंद्र पर भी उपस्थित है तो क्या कहोगे, अंतः केंद्रीय। आप इसमें प्रभावी कणों की बात करें तो कितने कोने हैं, आठ, तो आठ गुणे एक बटे आठ। अभी आपको बताया था ना कि कोने वाले पर एक बटे आठ का गुणा होगा, फिर यहाँ पे लगेगा प्लस, केंद्र वाला भी है ना, तो प्लस। केंद्र वाले का कितना भाग होता है, अभी आपको बताया एक, फलक वाले का एक बटा दो, केंद्र वाले का एक और इसका कोने वाले का एक बटे आठ, ठीक है। तो यहाँ पे आठ से आठ कैंसिल, कितना बचा एक, तो एक प्लस एक, प्रभावी कण कितने आ गए दो। तो आप देखो आपको पता चल गया कि अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में प्रभावी कण कितने होते हैं, दो होते हैं, कितने होते हैं दो, ठीक है। आप बात करते हैं फलक केंद्रीय एकक कोशिका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को भी उसी प्रकार समझते हैं। तो ये है एकक कोशिका, इसमें देखो कोनों पर उपस्थित है, आपको पता है फलक, बात हो रही है एफसीसी फलक की, तो फलक कितने होते हैं, देखो एक घनी एकक कोशिका, घन टाइप की है। एकक कोशिका कैसी होती है, घन बना हुआ है आपका, घन पता है आपको, ठीक है। तो घन में कितने फलक होते हैं, घन में जो फलक होते हैं वो छह होते हैं, ठीक है। आप वीडियो भी जाके देख सकते हो आपको घन में कितने फलक होते हैं, घन में कितने सिर्स होते हैं, घन में कोर कितने होते हैं, सब आपको बताया गया, ठीक है। तो वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो आप बात करते हैं इसमें फलक में क्या, फलक केंद्र में क्या होता है, प्रत्येक फलक में उपस्थित। तो फलक देखो एक फलक आपका ये वाला हो गया, ये जो आगे ये वाला है, ठीक है, ये एक फलक हो गया। एक फलक आपका ये वाला हो गया, ये जो नीचे बना है दो हो गए। एक फलक ये वाला पीछे वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया तीन। एक फलक ये वाला हो गया चार। एक फलक ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये हो गया पाँच, ठीक है। और एक ये जो ऊपर वाला ये छः, ठीक है। कितने हो गए देखो, एक आगे वाला एक, एक ये वाला दो, एक ये वाला तीन, एक ये वाला चार, एक ऊपर वाला पाँच और एक ये जो पीछे वाला ये छः। तो छः फलक होते हैं इसलिए छः फलकों पर भी उपस्थित होते हैं, मतलब कोनों के अतिरिक्त छः फलकों पर। प्रभावी कणों की बात करें तो देखो एक कोने कितने आठ, तो आठ गुड़े एक बटे आठ प्लस लगेगा। फलक कितने छः, तो छः गुड़े कितने स्थान बताया था उपस्थित होगा, एक बटा दो, तो दो तेइया छः और आठ से आठ कैंसिल, कितना बचा एक प्लस तीन बराबर चार। आप घन वाला वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा फलक कितने होते हैं, ठीक है। छः फलक होते हैं तो छः गुड़े एक बटा दो कितना है तीन, तो एक प्लस तीन चार। प्रभावी कण कितने चार, आप परिभाषा देखते हैं। देखो फलक केंद्रीय एकक कोशिका फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कोशिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक में स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, प्रभावी कण कितने चार। आप बात करते हैं अंत केंद्रीय एकक कोशिका तीसरा टाइप जो है एंड सेंटर यूनिट सेल। तो देखो जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, एंड सेंटर यूनिट, किन्हीं दो विपरीत फलक। अब ये कौन सी बात आ गई, किन्हीं दो विपरीत फलकों के, तो चलो इसे भी देखते हैं। अब बात करें एंड सेंटर यूनिट सेल की, तो विपरीत फलकों की बात हो रही है। देखो आपको कोनों पे दिख रहे हैं सभी, देख सकते हो आप सभी कोनों पे उपस्थित हैं, कोने पे उपस्थित है, किन्हीं दो विपरीत फलकों पे अब उपस्थित होंगे अंत केंद्रीय में। किन्हीं दो विपरीत फलक मान लो, जैसे आपका एक ये वाला फलक, एक ये वाला, ये दो आमने सामने वाले फलक हो गए, या आप कह सकते हो इन दोनों फलकों में भी उपस्थित हो सकते हैं, या आप कौन से बचे उपनिषद वाला भी हो गया, और कौन सा हो सकता है, एक ये आगे वाला और एक ये जो पीछे वाले का केंद्रीय वाला, ये दोनों, ठीक है। ये सही सही बनी, थोड़ा सही बना है, ठीक है। तो किन्हीं दो विपरीत फलक, मतलब विपरीत फलक एक ही, ये दोनों फलक हो जाएं, या ये ऊपर नीचे वाले फलक हो जाएं, या एक ये जो आगे वाला है ये वाला, या एक ये पीछे वाला, ठीक है। तो ये दोनों फलक हो जाएं, मतलब कि आपके छह फलकों में से किन्हीं दो विपरीत फलक लेने, आमने सामने वाले, एक ये हो सकता है, चाहे आगे वाला और पीछे वाला हो जाए, या ऊपर वाला है नीचे वाला, ऐसे, ठीक है, किन्हीं दो विपरीत फलकों में। आप प्रभावी कणों की बात करते हैं तो आठ कोने आठ गुड़े एक बटे आठ, और किन्हीं दो विपरीत फलक, दो फलकों में है तो फलक कितने, दो फलक हैं, और फलक वाला होता कितना है एक बटा दो, कितने फलक देख सकते हो एक दो, किन्हीं दो विपरीत फलकों की बात हो रही, चाहे ऊपर नीचे वाला ले लो, चाहे दो दो फलक ले लें, तो दो से दो कैंसिल, आठ से आठ कैंसिल, कितना आया एक प्लस एक, कितना हो गया प्रभावी कण दो। कुछ नहीं, सबसे आसान यही है, देखो जिस एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक, किन्हीं दो विपरीत फलक, एक फलक ही एक फलक है, ठीक है, या ऊपर नीचे वाला फलक ले सकते हो, या बाहर और अंदर वाले जो ये वाला फलक और उधर वाला, ठीक है, इन दोनों फलकों को ले सकते हो। तो उन फलकों में, ठीक है, प्रभावी कण कितने, कोने वाले आठ गुड़े एक बटे आठ,
और फलक वाला 2 × 1/2 कितना, 1+1 2, ठीक है, तो प्रभावी कण हो गए 2। तो ये थी इंडो सेंट्रल यूनिसेल की बात, जिस एकक कोशिका में अभिविकर्ण कोणों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं उसे इंडो सेंट्रल यूनिसेल कहते हैं। तो भाई ये थे एकक कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिसेल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।